सुबह का नमस्कार क्लास 6 के छात्रों, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण पाठ 11 अध्याय पढ़ाने जा रहा हूँ। अव्यय को अविकारी शब्द भी कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है जो व्यय न हो या विकार रहित हो, मतलब जिसमें कि कोई परिवर्तन न हो। अनुवाद करते समय ऐसे अव्यय शब्दों के प्रयोग में सहजता एवं सरलता होती है, क्योंकि इनके प्रयोग में किसी रूप आदि का ध्यान नहीं रखना पड़ता है। परिभाषा इसकी, अव्यय वे शब्द हैं जिनमें लिंग, कारक और वचन के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। अव्यय के भेद, अव्यय शब्दों के चार भेद वर्णित किए गए हैं। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा समुच्चय बोधक, तीसरा संबंध बोधक, चौथा है विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण, जिन वाक्यों द्वारा क्रिया की विशेषता का उल्लेख किया जाता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। परिभाषा है अव्यय की, ऐसे अविकारी शब्द जिनके द्वारा क्रिया की विशेषता का पता चलता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कार तेजी से चलती है, चलना एक कार्य है, तेजी से क्रिया विशेषण है। सानिया मिर्जा टेनिस अच्छा खेलती हैं, खेलना कार्य है, क्रिया है, अच्छा उसकी क्रिया विशेषता है, मतलब अच्छा क्या क्रिया विशेषण शब्द है। कोमल धीरे धीरे गाती है, गाना क्रिया है और धीरे धीरे क्रिया विशेषण शब्द है। क्रिया विशेषण के भेद, क्रिया विशेषण के भेद, पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण, जिन शब्दों के द्वारा क्रिया के होने के समय का पता चलता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अभी, कल, जब, तब, पीछे, पश्चात, अब, परसों आदि उदाहरण है। मैंने अभी अभी सांप को जाते देखा, अभी अभी क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जिन शब्दों द्वारा कर्ता द्वारा की जाने वाली क्रिया विशेषण के जगह या तो विशेषण के स्थान जगह का बोध होता है उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आसपास, यहाँ वहाँ, जहाँ, बाएं, ऊपर, नीचे, दूर, पास, अंदर, बाहर, इस तरफ, उस तरफ आदि उदाहरण है। मेरे घर में अंदर से लेकर बाहर तक फूलों की सजावट हुई है। अंदर से लेकर बाहर, तो अंदर और बाहर क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, मतलब क्रिया के स्थान को बता रहा है। जो शब्द क्रिया के स्थान को बताते हैं उसको क्रियावाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जिन शब्दों के द्वारा क्रिया विशेषण के या कार्य के परिमाण का बोध होता है उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अधिक, कम, ज़्यादा, कुछ, खूब, जरा, कितना, उतना, बिल्कुल आदि उदाहरण है। बंगाल में चावल अधिक खाया जाता है, तो अधिक जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जिन क्रिया विशेषण शब्दों से कर्ता के कार्य करने के तरीके, ढंग या रीति का बोध होता है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे ध्यानपूर्वक, सावधानी से, झटपट, अचानक, ज्यों त्यों, अवश्य, सच, ठीक, धड़ाधड़, एकाएक आदि उदाहरण है। बालकों को ध्यानपूर्वक पढ़ाई करनी चाहिए, ध्यानपूर्वक रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय को
योजक भी कहते हैं, योजक मीन्स जोड़ने वाला। जिन वाक्यों में दो शब्दों को एक साथ जोड़ा जाता है वह समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। परिभाषा होगी, दो शब्दों वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय या योजक अव्यय कहते हैं, जैसे और, तथा, या, व, पर, परंतु आदि। राम सीता और लक्ष्मण वन को गए, ये उदाहरण है। समुच्चय बोधक अव्यय के भेद, समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद होते हैं। पहला है समानाधिकरण योजक, दूसरा है व्याधिकरण योजक। इसे समानाधिकरण योजक, इसके भी पार्ट हैं, संयोजक। एग्जाम्पल है और, तथा, एवं, व, आदि। फिर है विकल्प बोधक या, वा, चाहे, आदि। विभाजक लेकिन, किंतु, परंतु, पर, आदि। परिमाण बोधक इसलिए, अतः, आदि। उदाहरण है मैं स्टेशन पर खड़ा था परंतु ट्रेन नहीं आई। दूसरा उदाहरण है महाराज मैं खिचड़ी बना रहा था इसीलिए दरबार न आ सका। संबंध बोधक संज्ञा सर्वनाम के वाक्यों द्वारा किसी दूसरे शब्दों के माध्यम से संबंध का बोध कराने वाले शब्द को संबंध बोधक अव्यय कहते हैं, जैसे मेरे, तेरे, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, निकट, पास, दूर, ओर, तरह, समान, अनुसार, अतिरिक्त, प्रतिकूल, उल्टे, साथ के माध्यम से, हेतु, कारण, के यहाँ, बाद, बाहर, आदि। परिभाषा है जो शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ अन्य वाक्यों या शब्दों का संबंध स्थापित करने के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। संबंध बोधक अव्यय के भेद, संबंध बोधक अव्यय के 10 भेद होते हैं। पहला कालवाचक, एग्जाम्पल ऐसे पीछे, पहले, उपरांत, आगे, आदि। स्थानवाचक सामने, भीतर, अंदर, वहाँ, यहाँ, निकट। दिशावाचक इस ओर, उस ओर, आसपास, तरफ, आदि। समतावाचक तुल्य, योग्य, भांति, अपेक्षा, समान, आदि। समाधानवाचक द्वारा, सहारे, हाथ, माध्यम, के साथ, आदि। विषयवाचक विषय, भरोसे, सहारे, नाम, आदि। विरुद्धवाचक विपरीत, खिलाफ, उल्टे, आदि। संघवाचक साथ, सहचर, आदि। हेतुवाचक लिए, कारण, वास्ते, आदि। तुलनावाचक अपेक्षा, सामने, आदि। परिभाषा है विस्मयादि बोधक की, जिन शब्दों के द्वारा कर्ता के मनोभावों की पुष्टि होती है, मतलब जिन शब्दों के द्वारा कर्ता के मनोभावों की पुष्टि होती है या उसके मनोभाव प्रकट होते हैं उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं, जैसे अरे, शाबाश, ओह, आदि। विस्मयादि बोधक अव्यय की परिभाषा है जिन शब्दों से हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा आदि मन के भाव प्रकट होते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं, जैसे ओह, अरे, इत्यादि। विस्मयादि बोधक अव्यय के भेद, विस्मयादि बोधक अव्यय के 9 भेद होते हैं।
पला हर्षबोधक जय सावास वाहादि, शोकबोधक हाय हाय राम राम, क्रोधवाचक या तो क्रोधबोधक अरे चुप रुक आदि, आश्चर्यबोधक अरे ओह आदि, घृणाबोधक छी धिक धिक हट आदि, अनुमति बोधक हाँ हाँ साधु साधु आदि, भयबोधक अरे बाप रे त्राही त्राही आदि, संबंध बोधक हे ओ सुनो आदि, आशीर्वाद सूचक जीते रहो दीर्घायु हो दूधो नहाओ पोतो फलो आदि। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मैं और तुम एक साथ घर चलेंगे, यहाँ पर और भरेंगे। दूसरा में कोयल मीठे गीत गाती है, ग वाले में टीवी पर समाचार देखा अभी अभी, इसमें क्या आएगा अभी अभी टीवी पर समाचार देखा। किताब ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए, इसमें ध्यान पूर्वक आएगा। मेरा घर स्टेशन के आसपास आएगा, इसमें है। संबंध बोधक अव्यय के उदाहरण के सामने अव्यय लिखिए। पहले कालवाचक ओह, दिशावाचक सहचर, संगवाचक आसपास, दिशावाचक निकट, स्थानवाचक द्वारा, साधनवाचक कारण, हेतुवाचक सामने, तुलना वाचक। यहाँ है विस्मयादि बोधक अव्यय शब्दों द्वारा वाक्य प्रयोग कीजिए। ओह ओह तुम आ गए, हाय हाय रमेश दुर्घटना में घायल हो गया, शाबाश तुम मैच जीत गए। यह आपके प्रश्न उत्तर हैं, इसका आपको उत्तर लिखना है कॉपी में। पहला प्रश्न क है, अव्यय की परिभाषा लिखिए। यह अव्यय की परिभाषा लिखना आपको। अव्यय वे शब्द हैं जिनमें लिंग कारक और वचन के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, अव्यय के भेद बताइए। उत्तर लिखेंगे, अव्यय शब्दों के चार भेद वर्णित किए गए हैं, आपको लाइन वाइज लिखना है। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा समुच्चय बोधक, थर्ड है संबंध बोधक, चौथा है विस्मयादि बोधक। अगला क्वेश्चन है, समुच्चय बोधक अव्यय कितने प्रकार के होते हैं। उत्तर लिखेंगे, समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, संबंध बोधक अव्यय के भेद लिखिए। उत्तर लिखेंगे, संबंध बोधक अव्यय के 10 भेद होते हैं। पहला कालवाचक, दूसरा स्थानवाचक, तीसरा दिशावाचक, चौथा समतावाचक, पांचवा साधनवाचक, छठवां विषयवाचक, सातवां विरुद्धवाचक, आठवां संगवाचक, नौवां हेतुवाचक, दसवां तुलनावाचक। अगला प्रश्न है, विस्मयादि बोधक अव्यय की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर लिखेंगे, परिभाषा जिन शब्दों से हर्ष शोक विस्मय घृणा आदि मन के भाव प्रकट होते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं, जैसे अरे ओ शाबाश आदि।